दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। वॉच द फुल वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। पार्ट वन में हम देख चुके हैं नुआननाथ मिस्टर गो की चेस्ट पे जाके धस जाती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट टू से पहले पार्ट वन भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट टू में हम देखते हैं वूजिन जो भगी आ रही थी यांग से टकरा कर गिरने वाली थी, बट वो उसके गले का पट्टा पकड़ के बचा लेता है। नुआनुआन भी कांड करके हैरान थी। मिस्टर गु नीचे को होके वहाँ से पप्पी की तरह भागता है, पर उसके चिल्लाने की आवाज सुन एम्प्लॉयज को लगता है कि भूचाल आ गया। नुआनुआन कहती है, अरे मेरी बात तो सुनो। बट मिस्टर गु वाज लाइक, दूर रहो मुझसे जंगली, मेरे टेबल के नीचे क्या कर रही थी? वो कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो पूछता है, तुमने क्लीनर के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? रियल क्लीनर का तुमने क्या कर दिया? शी वाज लाइक, अबे पागल चुप, मेरी बात तो सुन ले पहले। बट मिस्टर गु क्याओ को वास मार के बुला लेता है और कहता है, इस जंगली को मेरे ऑफिस में बंद कर दो, मेरी इजाजत के बिना इसे छोड़ना नहीं है, मुझे हॉस्पिटल। और बेहोश क्याओ से लेके हॉस्पिटल भागता है। डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्याओ कहता है, डॉक्टर आप रुक क्यों गए? कुछ करो ना, इसे बचाओ। डॉक्टर वास लाइक, चल अब नौटंकी बहुत हुई, उठ जा। तभी मिस्टर गु उठ के कहता है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर बताता है कि मिस्टर गु बिल्कुल ठीक है, कोई एलर्जी हुई नहीं। पास से हमें पता चलता है कि मिस्टर गु और उसके डैड में हमेशा फाइट रहती है, क्योंकि डैड चाहते हैं कि वो फालतू गेम कंपनी छोड़ के गु ग्रुप का बिजनेस करे और शादी करके फैमिली बनाए। और मिस्टर गु स्टेप मॉम को अपनी मॉम नहीं मानता, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही मॉम है, जिनकी उसके बचपन में ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। स्टेप मॉम के टच करते उसे एलर्जी होने लगती है और वो बेहोश। एलर्जी पे उसकी मेडिसिन इसलिए काम नहीं करती क्योंकि ये बीमारी फिजिकल नहीं मेंटली है, तो डॉक्टर उसे फौरन जाके ट्रीटमेंट करने को कहते हैं। नुआनुआन इधर ऑफिस में बंद थी, तो वूजिन उसे वीडियो कॉल करके गर्ल्स मिस्टर गु के ऑफिस में अलाउड नहीं है वाला रूल बताती है। दोनों हैरान थी कि उसने इतना अजीब रूल क्यों बनाया, पर नुआनुआन ने तो उसके चेस्ट पे चुम्मा ले डाला था, इसलिए वहाँ से कूदने का सोच रही थी। बट वो बिल्डिंग के 25th फ्लोर पे थी, यानी कूदने पे सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। तो दोनों रोती हैं। क्या वो कुछ बताने वाला था, बट मिस्टर गु बिना सुने ही जाने लगता है। नुआनुआन बोर हो रही थी तो वो उसके चेयर पे बैठ के ड्रॉ करने लगती है, बट तभी मिस्टर गु आ जाता है, तो वो जल्दी जल्दी में पेन पॉकेट में रख लेती है। मिस्टर गु जाके चेयर पे बैठ जाता है। वूजिन अपनी गलती मान लेती है कि मैंने अपने फ्रेंड को क्लीनर बना के भेजा था, तो प्लीज सिर्फ मुझे पनिश करिए, मैं रिजाइन कर दूंगी। नुआनुआन कहती है, इसमें वूसिन की कोई गलती नहीं, मैंने उसे कंपनी में जॉब दिलाने के लिए फोर्स किया था, तो मेरी गलती हुई, उस तो मुझे बाहर फेंको। भले ही मेरा एनिमेटर बनने का ड्रीम है, पर वूसिन तो बहुत टाइम से इस कंपनी में काम कर रही है और वो इस कंपनी को बहुत लाइक करती है। तो मिस्टर गु वूसिन को फायर नहीं करता, बल्कि रिसेप्शनिस्ट में ट्रांसफर कर देता है। वो नुआनुआन के लिए सॉरी फील कर रही थी, तो वो कहती है, बस बस अब ऐसे मत देख, इसके बदले अगर मैंने फ्यूचर में कभी गलती की तो मुझे माफ कर देना। वूसिन हाँ करके बताती है कि अभी कुछ देर मुझे ओवरटाइम करना है, तो घर नहीं आ पाऊंगी, पर डोंट वरी, काम होते ही जल्दी घर आ जाऊंगी। नुआनुआन कहती है, अरे कोई जल्दी नहीं है, आई मीन अपना ध्यान रखना। यांग नुआनुआन के टेबल के नीचे छुपने वाली बात पे मजाक उड़ा रहा था, तो वो उसे मार के कहती है, वूजिन आने वाली है तो जल्दी अपना सामान पैक करके निकल जाना, बट वो उसे चिढ़ा के भाग जाता है, इसलिए वो खुद को लकी मान रही थी। इधर क्याओ मिस्टर गु को बताता है कि इंटरव्यू वाले दिन हमारे कार ड्राइवर के ब्रेक न लगाने पे नुआनुआन के ऊपर कीचड़ गिर गया था जब वो रोड पे गिरी पड़ी थी, और उसका एनिमेशन हमारी कार की वजह से खराब हुआ। वो पूछता है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है, तेरी उससे इतनी बुरी वाली फाइट हुई थी, और तू मेरा बॉस भी है, पर आज उसने अपने फ्रेंड के लिए किया, तो लगता है शायद वो बेचारी सच में अनलकी है। वो कहता है, अनलकी होने का कांड करने वालों से कोई लेना देना नहीं। क्या वो कहता है, वो सच में एनिमेटर बनना चाहती है, तो तुझे उसे एक चांस देना चाहिए। मिस्टर गु बिना जवाब दिए चला जाता है, पर नुआनुआन के नोट को देख के डर जाता है। जब वो डॉक्टर को कहता है कि पहली बार एक लड़की के टच करने पे उसे एलर्जी नहीं हुई, तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें उस लड़की को जाने नहीं देना है और अपने पास ही रखना है, क्या पता उससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, आज मैं जो कॉमिक आपको सजेस्ट करने वाली हूँ उसका नाम है द चेयरमैन इज इन लव विद द टू ऑफ मी। ये बहुत ही फनी कॉमिक है, तो इसकी स्टोरी जानने के लिए आप बिलीबिली कॉमिक्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इन वन ऑन बने जोरों शोरों से पार्ट टाइम जॉब पे एक शॉप का पैम्पलेट बांट रही थी और ड्रॉ करने लगती है, तो उसके बॉस उसे डांट देती है, बट उसे गलती से पॉट गिरते ही वो कलर वाले पानी की बाल्टी गिर जाती है।
बॉस चिल्ला पड़ती है तो बेचारे सफाई पे लग जाती है। मिस्टर को उसे दूर से देख रहा था, क्या वो कहता है, अब तो ये पक्का ही सुपर सुपर अनलकी है। बारिश होने लगी थी बट वो तब भी सफाई कर रही थी, क्या वो कहता है, क्यों ना बॉस हम, बट वो तो गायब। और चाहकर नुआन नुआन के ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। नुआन नुआन सोचती है क्या ये सच में मेरा गुड लक है, बट वो तभी उससे दूर हो जाता है तो सोचती है हाँ मेरी फूटी किस्मत। बारिश बंद हो जाती है। मिस्टर को कहता है तुम मेरा पेन चुरा के लेके आई हो। वो कहती है कौन सा पेन, तुम मुझ पे कब तक झूठे आरोप लगाते रहोगे। पर उसकी पॉकेट में टूटा हुआ पेन मिलता है तो कहती है ये मैंने चुराया नहीं है, गलती से उठा लिया था उस दिन और टूट भी गया। बताओ कितने का है, अभी रिपेयर कर दूंगी। वो कहता है प्राइसलेस, ये इंडिया से हैंडमेड है और निप गोल्ड की है। शी वाज लाइक व्हाट, पेन कब से गोल्ड के बनने लगे। मिस्टर को कहता है अगर तुम सच में रिपेयर करना चाहती हो तो गेम कंपनी में 100 डेज के लिए काम करना होगा। नुआन नुआन कहती है सच में, पर पहले तो तुमने मुझे बाहर फेंक दिया था। वो कहता है ये बस एक कंपनसेशन है, कल अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो डबल काम करना पड़ेगा। नुआन नुआन ने घर का कपड़ा बना रखा था कि यैंग का उसकी लिपस्टिक पे पैर रखा जाता है तो वो बैठ के रेड कलर पूछने लगता है। तभी किसी लड़की के अंदर आने की आवाज आती है, वो हैरान, वो थी वोजिन जो सोफे पे लेट जाती है। पर आवाज सुन वॉशरूम का गेट खोलती है और वहाँ रेड मार्क्स देख हैरान, पर यैंग वॉशरूम से भाग के सोफे के पीछे छुप जाता है। वोजिन तो उसे ब्लड समझ रही थी और पूछती है कौन है यहाँ, बाहर निकलो। यैंग बालकनी में आ जाता है और वो भी वहीं आ रही थी, पर उसे म्याऊ की आवाज आती है तो कहती है अच्छा ये कैट थी, जबकि यैंग कपड़ों में छिपा हुआ बैठा था। तो कहता है आज तो बाल बाल बचा, डबिंग स्टूडियो मिलते यहाँ से चला जाऊंगा। एक आंटी उसे देख के अजीब मुंह बनाती हुई जा रही थी जबकि वो मना कर रहा था। कंपनी में नुआन नुआन वूजिन को ढूंढ रही थी, फेंग में बताती है कि वो तो घर चली गई। नुआन नुआन सोचती है क्या यैंग तो गया काम से। क्या को आता देख फेंग में छुप जाती है। क्या कहता है नुआन नुआन यहाँ खड़ी के कर रही हो, बॉस वेट कर रहे हैं। तो वो भागती है पर क्याओ को देख फेंग में बहुत शर्मा रही थी। नुआन नुआन अंदर नहीं जा रही थी तो क्याओ उसे अंदर धक्का मार देता है। वो उसे जॉब के बारे में पूछती है तो मिस्टर को कहता है वो रही तुम्हारी यूनिफॉर्म। शी वाज लाइक मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ, क्लीनर। मिस्टर को कहता है नहीं, प्रेसिडेंट की स्पेशल क्लीनर। और रूल्स बताने लगता है कि तुम्हें बुक्स साइज शेप और कलर के अकॉर्डिंग रखनी होगी, कप बाउल्स हाई टेम्परेचर पे वॉश करनी होगी और हर 15 मिनट में सैनिटाइजर छिड़कना है, धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए, ब्लां ब्लां ब्लां। अगर एक बाल भी मिला तो तुम्हें सब दोबारा से करना होगा। उसके इतना क्लोज होने से वो नर्वस थी पर कहती है यू डेविल, जबकि वो स्माइल कर रहा था। नुआन नुआन सफाई करती हुई कहती है उस डेविल ने मुझे टॉर्चर करने के लिए बुलाया है, मन करता है कि उस डेविल को सैनिटाइजर में डुबो दूं। बट वेट, क्या पता मुझे उसके क्लोज होने का चांस मिला हो। गोल्डन स्पार्कल मैं आ रही हूँ तुम्हें टच करने। यैंग जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था बट वोजिन फिर से आ जाती है तो वो बैठ के नीचे छुप जाता है। तो वो इविल स्पिरिट को भगाने के लिए वहाँ पे प्याज लहसुन का जूस छिड़क के चली जाती है। बेचारा यैंग। फेंगमी क्याओ को देख के छुप रही थी जबकि क्याओ को पहले से पता था कि वो फेंगमी है। तो वो कहती है सरप्राइज सीनियर। क्याओ कहता है तुम फौरन से आकर यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है। फेंगमी कहती है मॉम डैड को नहीं पता, सीनियर में है तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें तो पता मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या उसे स्टूपिड बोलकर वापस जाने को कहता है और फॉरन का टिकट बुक करने लगा था। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आई लाइक यू, बट उसका फोन छूट जाता है। डॉक्टर मिस्टर को मैसेज करता है कि तुम्हें उस लड़की की क्लोज होकर टेस्ट करना चाहिए। जब वो एलिवेटर में जाने वाला था तभी नुआन नुआन आके एलिवेटर में घुसने लगी थी। वो पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। वो कहती है कुछ नहीं बस तुम्हें ढूंढ रही थी, और उसके क्लोज होके उसके हाथ टच करने वाली थी बट वो अपने हाथ ऊपर को कर लेता है। नुआन नुआन सोच रही थी कि अब मैं इसे कहाँ टच करूं। डॉक्टर की बात याद आते ही मिस्टर को बड़ी हिम्मत कर किसके लिए आइस बंद कर लेता है, बट एलिवेटर का गेट खुलता है और सारे एम्प्लॉयज उन्हें देख के हैरान। वो दोनों तो कांड करते हुए पकड़े गए थे। मिस्टर गो वाज लाइक मैंने कुछ नहीं किया। एम्प्लॉयज वाज लाइक और हमने कुछ देखा भी नहीं। एक लड़की ट्विंकल ट्विंकल करती उनके फोटो क्लिक कर लेती है तो वो उसे भी खींच लेते हैं। नुआन नुआन उसे एकदम से दूर होती है और उसके हाथ नीचे करके बाय बाय करके भाग जाती है। जबकि वो सदमे में था नुआन नुआन सोचती है मैं कितनी अनलकी हूँ, बस गोल्डन स्पा की तो टच करने गई थी, पूरा कांड ही हो गया। पर यैंग का थोपड़ा देख पूछती है तुझे किसने पीटा बे, उस बेचारे की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। और इशारे करता है कि तेरी उस व्यूजी ने तो लगभग मुझे जान से मार डाला था। नुआन नुआन हंस के कहती है मुझे लगा था सबसे अनलकी मैं हूँ। उस
उसके मॉम उसे फिर से ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोन करती हैं, जबकि वो मना कर रही थी, बट मॉम जबरदस्ती उसे एक एड्रेस पे जाने को बोल देती हैं। मिस्टर गु एक इन्वेस्टर से मिलने आया था, बट इन्वेस्टर राइवल कंपनी के पास चले गए थे। तभी उसके डैडा चाहते हैं कि तेरी कंपनी को तो इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहा, इसलिए चुपचाप गु ग्रुप का ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर दे और जो प्रॉफिट होगा वो तेरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मिस्टर गु कहता है मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोजेक्ट करने से मना कर देता है। डैड कहते हैं तू हाँ कर या मना कर, गु ग्रुप तुझे चलाना पड़ेगा और ये टच करने वाली एलर्जी जैसा कुछ नहीं होता, सीधा जाकर इलाज करा, कब तक लड़कियों से भागता रहेगा, तो घर वापस आकर शादी करके गु ग्रुप को वारिस दे वरना मैं तेरी गेम कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर गु को पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें उसके मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था, नॉन नॉन भी वहीं ब्लाइंड डेट पे आई थी तो जानबूझ के इतना होलिया बिगाड़ लेती है कि खुद को ही शीशे में देख के डर जाती है। दूसरी गर्ल्स उसे देख के भागी गई थी, उसके स्कर्ट की जिप नहीं लग रही थी तो कहती है हाई स्कूल की ड्रेस आ क्यों नहीं रही है, क्या मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, नहीं तो इसे तो अभी बंद करती हूँ। बट जिप टूट जाती है तो कहती है हाँ थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। फिर वो रेडी शेडी होके सोचती है अब तो सामने वाला 100% मुझे रिजेक्ट कर देगा, पर 208 की जगह 206 रूम नंबर में घुस जाती है और कहती है सुन बे तू ब्लाइंड डेट के लिए आया है ना, अपुन है 911, बट सामने तो डेविल बैठा था। तो कहती है सपना तो नहीं देख रही मैं, और ग्लास हटा के देखती है तो कहती है सॉरी सॉरी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ग्लासेस उठा के भागने वाली थी। वो कहता है रुको, वो कहती है सॉरी मैं सच में गलती से आ गई, अभी जाती हूँ, बट वो हाथ रख के उसे रोक लेता है और उसके क्लोज वो कहता है 911 मुझसे शादी कर लो। 911 की तो हवाइयां उड़ गई थी और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट पे क्लिक कीजिए और इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिली बिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो।